ये कांग्रेस आम आदमी पार्टी हरियाणा को बेचना चाहते हैं, इस कारण से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अपना राजनीति कर रहा है। आप लोग इस इलेक्शन को सीधा, बहुत सीधा मत समझिए, इसके पीछे बहुत बड़े षड्यंत्र करके बैठा हुआ है। ड्रग्स के शिकार बनाएगा, जैसे पंजाब को खत्म किया मैंने पहले बोला, हरियाणा को ऐसा ही वो लोग प्लान कर रहे हैं। इनका काम ही पैसे कमाना मेरे मित्रों। आप लोग हरियाणा में घुस नहीं सकते, हरियाणा के नौजवान को ड्रग्स का शिकार बनाने हम नहीं देंगे। कांग्रेस के पास बाप बेटा है, शलाजी जी भी नहीं है, वो अलग है। सिर्फ बाप बेटा है, शैलजा जी को अलग रखा हुआ है। ये इलेक्शन बाप बेटे के षड्यंत्र में हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि वो हरियाणा को बेचने लगे। पहले भी जब मुख्यमंत्री रहा है, पंचकुला का घोटाला किया है और पैसा कहां गए हैं, वो दामाद जी के पास गए हैं। कौन लेके गए? ये बाप बेटा लेके गए। मैं हरियाणा वासी को, हरियाणा को, मां को, बेटों को, किसानों को, सबको मैं बताना चाहता हूं, आप लोग इस षड्यंत्र से वाकी बोल रही है। एक कांग्रेस आम आदमी पार्टी हरियाणा का सत्ता इसीलिए चाहता है क्योंकि पंजाब को जैसा उन्होंने ड्रग्स में और युवाओं को बर्बाद करके रख दिया, किसानों को बर्बाद करके रख दिया, पंजाब को देवले बना के रख दिया, हरियाणा को बेचना चाहते, इस कारण से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अपना राजनीति कर रहा है। आज हमारे हरियाणा को, नौजवान को ड्रग्स से बचाना है। आप लोग इस इलेक्शन को सीधा, बहुत सीधा मत समझिए, इसके पीछे बहुत बड़े षड्यंत्र करके बैठा हुआ है। इन लोगों ने तय करके बैठा है, हरियाणा को बेच डालेगा, हरियाणा को खत्म कर डालेगा, ड्रग्स के शिकार बनाएगा, जैसे पंजाब को खत्म किया मैंने पहले बोला, हरियाणा को ऐसा ही वो लोग प्लान कर रहे हैं। इनका काम ही पैसे कमाना मेरे मित्रों। भारतीय जनता पार्टी का सर्वबृहत नेता नरेंद्र भाई मोदी का काम पैसा बनाना नहीं मेरे मित्रों। नरेंद्र भाई मोदी के पास न घर है, न द्वार है, न परिवार है। नरेंद्र भाई मोदी के पास कोई परिवार है तो 140 करोड़ जनता उनका परिवार है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनका परिवार है मेरे मित्रों। कुरुक्षेत्र का भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता है और हमारे कार्यकर्ता में दम है। सुन लो कांग्रेसियों, सुन लो आम आदमी पार्टी लोग, आप लोग हरियाणा में घुस नहीं सकते, हरियाणा के नौजवान को ड्रग्स का शिकार बनाने हम नहीं देंगे, हरियाणा के मां को हम बर्बाद नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी के पास जो संगठन है वो कांग्रेस आम आदमी पार्टी के पास नहीं है मेरे मित्रों। कांग्रेस के पास जो जो है हमारे पास वो है। हमारे पास सर्वोपरि नरेंद्र भाई मोदी और कांग्रेस के पास बाप बेटा है, शैलाजी जी भी नहीं है, वो अलग है। सिर्फ बाप बेटा है, शैलाजा जी को अलग रखा हुआ है। उसके बाद और एक क्या है, और कोई है? उनका अध्यक्ष का नाम क्या है? उनका अध्यक्ष को मुझे मालूम ही नहीं है। हरियाणा में कांग्रेस का अध्यक्ष क्या है मेरे मित्रों? ये है कांग्रेस का संगठन, क्या नाम है? नाम तक मालूम नहीं है मेरे मित्रों। ये इलेक्शन बाप बेटे के षड्यंत्र में हम लोग नहीं जाएंगे, क्योंकि वो हरियाणा को बेचने लगे। पहले भी जब मुख्यमंत्री रहा है, पंचकुला का घोटाला किया है, डीएलएफ घोटाला किया है, और भी बहुत सारी घोटाला किया है, और पैसा कहां गए हैं, वो दामाद जी के पास गए हैं। कौन लेके गए? ये बाप बेटा लेके गए। इसलिए मैं बोल नहीं रहा हूं, मैं आपको प्रमाणित करके कह रहा हूं, हरियाणा को बेचने के लिए कांग्रेस आम आदमी सरकार बनाना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी किसानों को समृद्ध के लिए भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनाना चाहता है। नौजवानों को ड्रग्स से मुक्त कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी इसलिए सरकार बनाना चाहता है,
हरियाणा को माताओं को सम्मान मिले, हरियाणा का बहनों को सम्मान मिले और नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हरियाणा देश में नंबर 1 प्रदेश बने।